मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करने पहुंचे। प्रेस से मिले कार्यक्रम में सिंधिया ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सिंधिया ने आगामी चुनाव के दौरान कांग्रेस की रणनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और इसका आभास अब जनता को हो गया है। आज देश में हर व्यक्ति पीड़ित है और इसका जवाब चुनाव में जनता सरकार को देगी। आज प्रदेश बदलाव के तरफ अग्रसर होकर बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि इस नवंबर दिसंबर के चुनाव में एक नया सूर्योदय होगा, एक नई शुरुआत होगी इस प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की। प्रदेश की जनता ने, मैं मानता हूं कि मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी जनता के समक्ष जाएगी, उनका विश्वास जीतेगी और एक नई सरकार, लोखनमुखी सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। किसानों के मुद्दों पर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के शासन में किसानों का समर्थन मूल्य 12% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ता था, लेकिन इस बार किसानों के लिए बोनस को ही सरकार ने खत्म कर दिया। उन्होंने शिवराज सरकार के किसान हितैषी होने वाले दावों को खोखला बताया। 2008 में जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ की ऋण माफी की योजना लागू की थी देश के किसानों के लिए, तब किसी ने मांग पत्र नहीं रखा था। सरकार की क्षमता और सरकार की का दायित्व तो होता है कि मांगे बिना जो पीड़ा हो उस पीड़ा को समझकर उसका समाधान निकालना। दूसरी बात, समर्थन मूल्य हमारे शासन काल में चाहे सरसों हो, गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, तूर हो, सोया हो, उर्दा हो, समर्थन मूल्य हमारे शासन काल में 12-15% प्रति वर्ष हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव से 2 माह पूर्व ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए ताकि उन्हें तैयारी करने का पूरा मौका मिल सके। वहीं उन्होंने प्रदेश की अधिकांश सीटों पर युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। सर्वे के आधार पर भी निर्धारित करेंगे और इस पाठ्यक्रम से हमें हटना होगा कि हमारा 13 जो सबसे उचित उम्मीदवार उस क्षेत्र के लिए है उसे मौका दिया जाना चाहिए। और इसमें एक और बात मैं कहूंगा, दो चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जब पूरे 230 सीटों की श्रृंखला निकलेगी, पहली बात उसमें नौजवान उम्मीदवारों को अच्छी श्रृंखला में उपस्थिति उनकी दर्ज होनी चाहिए और दूसरी बात उसमें महिलाओं की भी उपस्थिति दर्ज होनी। सिंधिया ने बलात्कार के मुद्दे पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में जिस तरह से बलात्कार बढ़े हैं, सरकार को अपना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बदलकर बेटी को भाजपा विधायकों से बचाओ कर देना चाहिए। जिस तरीके से आज प्रदेश में दिन प्रतिदिन बलात्कार हो रहे, कल भी सागर में बलात्कार हुआ है गृह मंत्री के स्वयं के जिले में, भोपाल में हबीबगंज स्टेशन के पास बलात्कार हुआ है सामूहिक, और जब वो महिला जाती है पुलिस स्टेशन पर तो उस पर मजाक उड़ाया जाता है। मंत्रियों के बहुओं आत्महत्या कर रही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस जातिवाद नहीं बल्कि विकासवाद और प्रगतिवाद के आधार पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि संगठन के दम पर जनता के बीच जाकर चुनाव जीता जाता है और यही काम इस बार कांग्रेस करेगी। हम सब साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, हम सब साथ में मिलकर इस भाजपा के कुशासन के विरुद्ध हम लोग कार्य करेंगे। और जो सदैव मुद्दा उठाया जाता था कि कांग्रेस अनेक गुटों में बिखरी हुई है, आज कांग्रेस संगठित है, साथ में मिलकर कार्य कर रही है। भाजपा ने तो ऐलान कर दिया है कि वो चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेगी, वो संगठन के आधार पर चुनाव लड़ेगी। तो ये निर्णय भाजपा ने ले लिया है, इसमें मैं और कुछ नहीं कहूंगा, समझदार को इशारा काफी है। कांग्रेस एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रही है और भाजपा का मुकाबला करके जनता का विश्वास जीती।
कांग्रेस नेता ने आगामी चुनाव में पूरे कांग्रेस संगठन के साथ दम लगाने का इंदौर में दावा किया। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने बेरोजगारी, नर्मदा, व्यापम, फर्जी वोटर्स जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी उन्होंने एकजुटता के साथ चुनाव जीतने का दावा पेश किया। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।